हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। तो जी आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे अपना बहुत ही बिजी और हैट्रिक जो है रूटीन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर है जी सैटरडे का दिन और संडे से जो है बच्चों के लाइक न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो वैसे तो जो है नॉर्मली हर जगह जो है संडे को वीकेंड होता है, लेकिन जी यहाँ इन मिडल ईस्ट में जो है ना संडे जो है फर्स्ट डे होता है वीक का। खैर एनीवे जी, हम लोग यहाँ पर जो है मुस्तफ़ा की कॉपीज़ को जो है ना कवर कर रहे हैं, बिकॉज़ कि ये काम भी आपको पता है कंपलसरी होता है। और जी बस साथ साथ जो है घर के काम भी चल रहे थे, तो ग्रोसरी जो है ना मोस्टली कर ली थी। तो बस थोड़ी बहुत जो है स्नैक्स वगैरह हस्बैंड लाए थे, और ये जो है टिफ़िन बॉक्स मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे, छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए थे। तो आजकल जो है ये टिफ़िन बॉक्स बहुत ही ज़्यादा आए हैं मार्केट्स में ना, और ये रहते भी बहुत ही अच्छे हैं, लाइक आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड दे सकते हैं ना। तो मुस्तफ़ा ने तो जी एज़ यूजल कार करेक्टर्स का ही टिफ़िन बॉक्स लिया था। और जी ये देखिए जी, छोटा सा क्यूट सा जो है ना सॉस पैन, जिसको लेने का ना मेरा कोई भी इरादा नहीं था, बट मुझे इतना अच्छा लगा फिर मैंने ये भी बाय कर लिया था। तो बस ये छोटी मोटी ग्रोसरी है, इसको संभालेंगे। और गाइस ये देखिए जी, जो कि मेरी बहुत ही लाइक मज़े की शॉपिंग है, जो कि स्पेशली मैंने स्कूल के लिए की है, स्टीम आयरन तफाल की है, और काफ़ी टाइम से मैं लेना चाह रही थी, बट इन समर वेकेशन में तो हमारा लाइक कहीं इतना आना जाना था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए जब स्कूल ओपन होंगे ना तभी ला कर दूँगी। तो आपको पता मशाल से बच्चियों का लाइक बहुत होता है कि हमारे कपड़ों में कोई क्रीस ना हो, और स्पेशली अबिया को तो बहुत ही होता है, तो उसको लाइक वॉली जो है ना आयरन यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगता था। तो बस आज अबिया बहुत ज़्यादा खुश थी, बिकॉज उसको ये आयरन चाहिए थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से आयरन भी बाय कर ली। तो बस इसको सेटल करते हैं और फिर मैं आपसे इसका जो है रिव्यू भी शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं यही सोच रही थी कि लाइक आजकल जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसने जो है लाइफ को किस हद तक जो है ना आसान कर दिया है। लाइक कपड़े प्रेस करना ना मुझे आप कह लेंगे सबसे मुश्किल काम लगता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्टीम आयरन लाइक काफ़ी ज़्यादा जो है ना लाइफ ईजी हो गई है। स्पेशली जिस दिन मुझे यूनिफॉर्म आयरन करना होता था ना, मुझे ऐसा लगता था लाइक बहुत ही कोई बड़ा काम मुझे करना है। तो हैर से भी ये माशा से बच्चे खुद भी कर सकेंगे, बिकॉज के ये इजी टू यूज़ है। तो यहाँ पर ये देखिए बीहा को शौक आ रहा था कि मामा मैं आयरन करूँगी, तो मैं उसको कह रही थी जी बेटा जी अभी आपकी ही ड्यूटी है, तो आप ही जो है ना आयरन किया करेंगी। तो वैसे मैं पास खड़ी हुई थी, मैं देख रही थी कि लाइक कुछ अपना हाथ वगैरह बर्न ना कर लें, बिकॉज इसकी स्टीम थोड़ी सी लाइक कह लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वैसे भी उसके लिए ये भी न्यूली यूज़ थी, तो मैं पास ही खड़ी हुई थी कि इसका कहीं हाथ जो है ना बर्न ना हो जाए। खैर देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही परफेक्टली कपड़े आयरन हुए थे, और मैंने पूरे वीक के लाइक कपड़े जो थे ना सारे आयरन कर दिए थे। तो मैंने अब सोचा है कि लाइक वीक में जो है ना स्टार्टिंग में ही मैंने सारे कपड़े जो है ना आयरन करके रख देने हैं, बिकॉज कि पूरा वीक इतना बिजी होता है ना, टाइम ही नहीं मिलता। तो गाइस बस मैं किचन में आ गई थी, बच्चे सो गए थे, और लाइक मेरे दिल को इतना कुछ हो रहा था कि यही टाइम होता था माशाल्लाह से हमारे घर इतनी रौनक होती थी, सब जाग रहे होते थे, और हमारे घर लाइक क्या होता था कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही ना बच्चे सोने जाते थे। तो हैर से जी बस बच्चों ने स्कूल जाना था, तो आज वो जल्दी सो गए थे, तो बस मैं किचन में आ गई और मैंने जो है अपने काम शुरू कर दिए थे। तो टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब चीज़ें मैंने वॉश करके रख रही थी ताकि सुबह कोई भी हबड़ तबड़ ना हो, बिकॉज़ के फर्स्ट डे आपको पता है बच्चों को वैसे ही बहुत शौक होता है कि वो जो है ना जल्दी से स्कूल जाएँ। तो बस यहाँ पर जी काम करते हैं और फिर जो है मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस इतने दिनों के बाद सुबह सुबह उठना लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था, साथ साथ रिफ्रेशिंग भी लग रहा था। तो हमारे बड़े हमेशा कहते हैं ना लाइक सुबह का काम जो होता है ना लाइक बरकत वाला काम होता है, तो बिल्कुल ठीक कहा है। लाइक सुबह उठकर ऐसे लगता है कि सारे काम जल्दी जल्दी से ना निमट जाते हैं। तो हैर गाइस एनीवे जी बच्चे भी बहुत खुश थे, और मैं भी लाइक आप कह लें कि काफ़ी इंतज़ार किया है बच्चों के लाइक रेगुलर स्कूल होने में। आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर अराउंड 4 साल लगे हैं हमें इस इंतज़ार में। लाइक आप कह लें कि कोविड में भी यहाँ पर स्कूल टोटली बंद रहे थे, और आफ्टर कोविड भी यहाँ पर अल्टरनेटिव डे स्कूल थे। लाइक कि आप समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिव डे स्टडीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं होती। लाइक बच्चे भी जो है बिल्कुल दिल से स्कूल में जा रहे होते थे, ना ही मेरी कोई रूटीन बन रही होती थी, बिकॉज के एक बच्चा लाइक एक दिन जाता था और एक दिन बच्चा एक जाता था, लाइक मुझे कुछ भी शेड्यूल समझ नहीं आ रहा था। तो आप कह लें कि हमारे घर लाइक 4 साल के बाद जो है ना बच्चों के लाइक स्कूल जाने वाली फीलिंग आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और अल्लाह ताला से दुआ है कि बस अब आगे भी सब कुछ जो है ठीक ठीक रहे।
सो गाइस यहाँ पर जी अभी बस बच्चों का जो है लंच बॉक्स रेडी हो रहा है। ये वही चिकन है जो कि लास्ट वीकेंड में मैंने फ्राइड राइस बनाए थे ना, तो मैं ज़्यादा सा चिकन जो है वो बना लेती हूँ, फिर जो है बाकी मैं कुछ निकाल लेती हूँ, तो फिर बच्चों के लंच बॉक्स में जो है ना मैं कुछ ना कुछ इनको स्नैक्स बना देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि अच्छा सा गर्म हो जाए, और यहाँ पर ये देखिए जी मैंने मुस्तफ़ा के लिए जो है चिकन पॉक्स बना दिए थे, और मुस्तफ़ा को तो लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं पसंद होती, उसको तो बस यही चीज़ें पसंद होती हैं, चिकन पॉप्स ले लिए या फिर कुछ ऐसी फ्रोज़न आइटम ही वो शौक से खाता है। अच्छा तो गाइस चिकन में मैंने जो पानी डाला था वो अच्छे से सारा ड्रेन अप हो गया है। वैसे तो हम लोग ये चिकन बॉईल करके ही सेपरेट बना रहे होते हैं, तो अगर आप लोग चिकन को पहले भून लें, उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक सोया सॉस विनेगर डालकर भून लेना, तो फिर इसको बॉईल करें, देन जो चिकन का टेस्ट होगा ना आप यकीन करें आपको बहुत ही स्पेशल किस्म के लगा के आपने सेपरेट बनाई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मेयोनीज़ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल दी है, और ये सेपरेट आप जो है 2 or 3 days के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ, बल्कि मोस्टली बच्चे मुझे लगता है यही कंप्लेन करते हैं कि खाना जो ठंडा हो जाता है, तो कोशिश किया करें लाइक ऐसी चीज़ दिया करें लाइक जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में भी हो, तो बच्चे जो है ना शौक से खा लें। तो यहाँ पर ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से क्विक से सैंडविचेस बन गए हैं, थोड़े से मैंने ग्रेप्स डाल दिए थे, और जो है कल बच्चे जो है वो डोनट्स लाए थे तो वो मैंने रख दिए थे। तो बस ये देखिए जी मज़े का हमारा लंच बॉक्स रेडी है, तो बस अब चलते हैं। सो गाइज आई एम श्योर कि हम सब मदर्स की ना ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग रात को ही जो है ना जितना काम समेट सकते हैं ना वो समेट ले, ताकि सुबह उठकर जो है ना वो भागम दौड़ ना लगे। लेकिन जी मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता ही नहीं है, स्कूल जाना हो और फिर घर की ये हालत ना हो तो फिर ये हो सकता ही नहीं है। वैसे तो मोस्टली जो है मैं रात को ही चीज़ें समेट कर सोती हूँ, तो बस रात को मैं किचन में बिज़ी हो गई थी, और फिर जो है अपनी रूटीन भी ठीक करनी थी, जल्दी सोना था ताकि सुबह जल्दी उठे। तो बस अभी आप जो घर को देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहा है, तो बस मैंने आज सोचा कि आज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बिल्कुल नहीं सोया जाएगा, मैं सबसे पहले तो घर की अच्छी सी क्लीनिंग करूंगी, बिकॉज के बच्चों को लाइक फर्स्ट डे स्कूल से आना था और उनको अच्छा सा लाइक नीट एंड क्लीन जो है घर मिले। तो यहाँ पर बस कुछ जो स्नैक्स वगैरह रात को लेकर आए थे तो इन्हीं को थोड़ा संभालते हैं और जल्दी से घर क्लीन करते हैं, और फिर एक अच्छी सी खूबसूरत सी लुक के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा तो गाइस मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि क्लीनिंग एक ऐसा काम है लाइक जिसको जितना हम समेटने की कोशिश करते हैं ना ये उतना ही काम इसका बढ़ता जाता है। लाइक मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से क्लीनिंग कर लूँगी और फिर थोड़ा सा नैप ले लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस फिर क्लीनिंग करते करते मेरा लाइक कहाँ टाइम गुजर गया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो काफ़ी दिनों से जो है चेयर्स भी मैसी हो रही थी, और स्पेशली जो वाइट फर्नीचर है इसको तो फिर आपको पता है वीक में 1 or 2 times तो क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जब बच्चे जो है माशाल्लाह से आपको पता है खा पी रहे होते हैं, तो क्लीनिंग तो फिर बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज अभी जो आपको ये ट्रॉली नज़र आ रही है ना ये जस्ट आप कह लेंगे मोस्टली मैं इन समर वेकेशन में क्लीन ही करती रही हूँ लाइक मेरे किसी काम नहीं आई, लेकिन जी अभी मैं सोच रही हूँ उसको मैं अच्छे से लाइक पूरा प्रॉपर अरेंज करूँगी और हेल्दी से जो स्नैक्स होते हैं बच्चों के वो रखूँगी, ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी ये लगे और इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश भी करेंगे। अभी तो है जो मेरे पास चीज़ें थी वो मैंने अरेंज कर दी थी, तो अभी आप जो है मेरे घर की जो है करंट सूरत हाल देख सकते हैं। तो टेबल तो क्लीन हो गई, ग्रोसरी संभाली गई, और यहाँ पर ये देखिए जी मैं चुटकी बजाने की कोशिश कर रही थी कि कोई चुटकी बजे और घर मेरा जो है ना सारा खुद ही से क्लीन हो जाए, लेकिन जी यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो गाइस ये बॉक्स मैंने वॉश किया था, तो ये अभी मैं इसके अंदर रखूँगी अच्छे से ड्राई हो जाए, और लाइक जो भी सारी ग्रोसरी थी वो भी संभाल दी और अच्छे से सारी मैंने जो है ना क्लीनिंग कर दी है। ये देखें माशाल्लाह से, तो मैंने कहा आज बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल का, तो लाइक उनको अच्छे से जो है ना वेलकम करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो हो रहे हैं 1:30 हो रहे हैं, और बस बच्चे अभी आने वाले हैं, यहाँ पर 1:30 तक बच्चों को छुट्टी हो जाती है। तो चले जी वेट करते हैं बच्चों का और फिर उनसे जो है ना पूछते हैं कि कैसा गया उनका आज फर्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम, तो मुस्तफ़ा कैसा रहा आपका फर्स्ट डे, आपका कैसा रहा? अच्छा रहा था,
मुस्वा बताए व्हाट हैपेंड। ये देखिए गाइस, पहले दिन के स्कूल जाने के साइड इफेक्ट। क्या हुआ आपको, को मजा नहीं है स्कूल में? सो गाइस, यहाँ पर ना इसको देखकर लिटरली मेरी हंसी बिल्कुल भी रुक नहीं रही थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब ये स्कूल से आया था तो तब भी ये कैसे एक्ट कर रहा था ना, तो मैं इसको बार बार पूछ रही थी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या मज़ा नहीं आया। लाइक फिर बाद में थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हुआ तो मुझे इसने बताया कि मामा बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरी जो टांगें हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग लाइक बाहर बहुत ही कम निकलते हैं, और वैसे भी जो है बच्चे 24 आवर जो है एसी में रहते, लाइक ये बिल्कुल भी यूज टू नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा ना मुस्तफ़ा एग्जॉस्ट हो गया था। तो है फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो फिर बच्चों का लाइक ऐसा ही होता है अनएक्सपेक्टेड सा, तो अभी ऐसा ऐसा बच्चे सब जो है यूज टू भी हो जाएंगे। तो है खाना मैंने नहीं बनाया था बिकॉज के मैं क्लीनिंग में बिजी हो गई, फिर थोड़ा सा जो है फ्रेश अप हुई तो फिर मैंने जल्दी से ना ऑमलेट बना लिया था प्याज वाला, तो मैंने कहा चलिए बच्चे जल्दी से खा लेंगे ये। और वैसे भी ना हमारे घर क्या सीन होता है कि बच्चे जो है ना मेरे लिए कुछ भी प्रॉपर जो है ना लंच नहीं करते, तो उनको ऐसे ही होता है कि कुछ हमें स्नैक वगैरह मामा बना दें, या फिर रात को अक्सर खाना भी बचा होता है तो वो भी ये लोग नहीं खाते। तो हर चीज बस हमारे घर में यही रूटीन है। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक इनको कुछ हेल्दी से ही जो है मैं बनाकर दूँ, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। आप लोग ऐसे मजीद मेरी रूटीन व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज कि आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। तो खैर यहाँ पर ये देखिए जी, मज़ेदार सा ऑमलेट रेडी हो गया है और आज का व्लॉग भी जो है मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।